जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रेलवे में जो आरपीएफ की भर्ती आने वाली है। आरपीएफ रेलवे की अपनी खुद की पुलिस होती है, तो रेलवे पुलिस की अब भर्ती आने वाली है। लगभग जनवरी 2023 में भर्ती आ जाएगी। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि यदि हम आरपीएफ में एसआई बन जाते हैं, कांस्टेबल बन जाते हैं, तो हमें कितनी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आरपीएफ एसआई की सैलरी स्लिप के बारे में कि यदि आप आरपीएफ में, रेलवे आरपीएफ में यदि आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी। प्यारे साथियों, ये वाला जो वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, आपके अंदर एक मोटिवेशन लेके आएगा और 100% आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी कि हाँ, अब मेरे को हर हाल में ही एसआई बनना है। ठीक है, अब देखो ये एक सैलरी स्लिप है, इसका मैंने बेस लिया है क्योंकि ये सैलरी स्लिप है 2021 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 1 अगस्त 2021 की सैलरी स्लिप है और अब चल रहा है 2022, वो भी नवम्बर का महीना। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पर बात करने वाले प्रेजेंट सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग, क्योंकि एचआरए और डीए लगातार बढ़ते रहते हैं। ठीक है, डीए और एचआरए दोनों में परिवर्तन होता रहता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ फिलहाल की सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंग कि फिलहाल में यदि आप रेलवे में एसआई बनते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको 100% मोटिवेशन मिलेगा। देखो, रेलवे में जो एसआई होता है उसका ग्रेड पे होता है 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है। पे बैंड होता है 9300 रुपये से लेकर 34800 तक और इनका बेसिक पे स्टार्ट होता है 35400 रुपये से। ठीक है, तो यदि आप रेलवे में एसआई बनते हैं तो आपका बेसिक पे स्टार्ट कितने से होगा, 35400 रुपये से आपका बेसिक पे स्टार्ट होगा। उसके बाद में मिलेगा आपको डीए, फिलहाल में डीए मिल रहा है 38%। ठीक है, फिलहाल में 38% डीए मिल रहा है। तो यदि हम 35400 का 38% निकालते हैं तो वो निकल कर आता है 13456 रुपये, जो फिलहाल में डीए है, आपको डीए मिलेगा 13452 रुपये। अब उसके बाद में हम बात करते हैं एचआरए के बारे में। एचआरए का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस, आपको रहने के लिए जो मकान है उसका भी आपको क्या मिलेगा, अलाउंस मिलेगा। रहने के लिए जो मकान लोगे उसका भी किराया मिलेगा आपको। ठीक है, तो देखो एचआरए को पूरे भारत के द्वारा 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक्स कैटेगरी के, वाई कैटेगरी के और जेड कैटेगरी के, ये 3 सिटियों में कन्वर्ट कर दिया। एक्स कैटेगरी की सिटी वो होती है जैसे मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, जहां पर आपको 27% एचआरए मिलेगा। वाई में सारे बड़े सिटी आ जाते हैं, जैसे जयपुर आ गया, लखनऊ आ गया, आगरा आ गया, भोपाल आ गया, इंदौर आ गया, बेंगलोर आ गया, जहाँ पर आपको 18% एचआरए मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग रूरल एरिया में होती है, गांव में होती है, तो आपको 9% एचआरए मिलेगा। तो यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं 27% के अकॉर्डिंग कि आपकी ड्यूटी किसी बड़े शहर में, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में से, तो आपको 27% एचआरए मिलेगा, वो भी बेसिक पे का। 35400 का 27% मिलेगा आपको 9558 रुपये। उसके बाद में आपको मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। देखो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको फिक्स रहता है, 4608 रुपये का आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। राशन मनी अलाउंस मिलेगा 3636 रुपये, 3636 रुपये का आपको राशन मनी अलाउंस मिलेगा। और इस तरीके से आपकी ग्रोथ सैलरी तैयार होगी। ग्रोथ सैलरी में आपका बेसिक पे, आपका डीए, आपका एचआरए, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस और आपका राशन मनी अलाउंस, ये सारे के सारे इंक्लूड होंगे और इन सभी को मिलाकर आपकी ग्रोथ सैलरी बनेगी 66654 रुपये। तो आपकी ग्रोथ सैलरी कितनी हो गई, 66654 रुपये का आपका ग्रोथ सैलरी हो गया। अब इसमें डिडक्शन होगा, इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी। देखो प्यारे साथियों, कटौती क्या होगी, सबसे पहले आपका रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम के तहत आपके 30 रुपये कटेंगे, इनकम टैक्स कटेगा आपका 5589 रुपये, प्रोफेशनल टैक्स कटेगा 208 रुपये। इस तरीके से आपका टोटल डिडक्शन कितना हो गया प्यारे साथियों, 5827 रुपये, यह आपका टोटल डिडक्शन होगा। फिर आपकी नेट सैलरी निकल कर आएगी और नेट सैलरी आपकी बनेगी प्यारे साथियों 60827 रुपये। आपकी ग्रोथ सैलरी कितनी थी, 66654 रुपये, और आपकी नेट सैलरी कितनी आ रही है, 60827 रुपये। ये क्या है, आपकी नेट सैलरी है जो इन हैंड आपके अकाउंट में पहले महीने में ट्रांसफ़र की जाएगी। ठीक है, तो यदि आप आरपीएफ में एसआई बनते हैं,
ठीक है, आरपीएफ में ऐसा ही बनते हैं, तो आपके पहले महीने में अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे 60,827 रुपये। एक बहुत ही गजब की सैलरी है, एक अल्टीमेट सैलरी है, बहुत ही शानदार वाली सैलरी है। और अब इस सैलरी में आपकी बढ़ोतरी होगी दो तरीके से, एक तो एचआरई के अकॉर्डिंग, ठीक है, एचआरई तो एक लंबे टाइम बाद बढ़ता है, लेकिन सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी डीए और बेसिक पे से, ठीक है। आपका जो बेसिक पे है वो साल में 3% बढ़ेगा, हर साल 3% आपका बेसिक पे बढ़ता रहेगा। पहले साल में आपका 35,400 रहेगा, अगले साल 103% हो जाएगा, 3% बढ़कर, फिर 3% बढ़ेगा, फिर 3% बढ़ेगा, ऐसे हर साल आपका बेसिक पे बढ़ता रहेगा 3%। डीए देखो साल में दो बार बढ़ता है, कि गवर्नमेंट पर डिपेंड करती है कि वो कितना बढ़ाती है, लेकिन हम एवरेज मान के चलें तो साल में 3% के आसपास आपका डीए बढ़ जाता है। तो हर साल आपकी कम से कम 6% सैलरी बढ़ेगी, कम से कम बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा ही आपकी हर साल सैलरी बढ़ने वाली है। बाकी रेलवे बहुत गजब गजब के बोनस देता है। देखो मेरे अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे सैलरी स्लिप तैयार किए हैं, उसमें से रेलवे ही एकमात्र ऐसा है जहाँ पर आपको एक एक महीने का एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाते हैं। न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे आप भी, तो आपको भी पता होगा कि रेलवे में दीपावली की छुट्टियों पर एक एक महीने का आपको बोनस मिल जाता है। जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं उनको एक महीने का बोनस मिल जाता है, मतलब एक महीने की उनको एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाती है। अब यदि आपको एक महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है दीपावली को, कितनी 60,827 रुपये आपको एक्स्ट्रा एक साथ मिल रहा है दीपावली का बोनस, भाई साहब मजा आएगा। दीपावली आपकी बहुत वीआईपी तरीके से सेलिब्रेट होगी। 60,827 रुपये में आप बहुत सारा सामान खरीद सकते हो और बहुत ही गजब तरीके से दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हो। तो इस तरीके से यदि हम एवरेज निकालें ना, तो रेलवे में एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, लेकिन रेलवे 13 महीने की सैलरी देता है एवरेज सारे सारे अलाउंस को लगाकर। तो रेलवे एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको एक साल में 13 महीने की सैलरी मिलेगी, क्योंकि ये एक एक महीने का बोनस दे देता है। अब देखो रेलवे में कुछ इस तरीके से ये एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं जिनका यहाँ पर हमने जिक्र नहीं किया, जैसे प्रोविडेंट फंड या कंप्लीट नाउ एच पीएफ बोल सकते हैं प्रोविडेंट फंड को, ओवरटाइम अलाउंस। यदि देखो रेलवे की एक सबसे खास बात भी ये है, देखो आप राजस्थान पुलिस में लग गए, सपोज दैट एसआई बन गए, ठीक है, ड्यूटी टाइम फिक्स कोई नहीं है, आपकी 8 घंटे की भी ड्यूटी हो जाएगी, कोई मंत्री आ गया तो आपको 12 घंटे की भी ड्यूटी हो जाएगी, कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन रेलवे में यदि 1 मिनट भी आप एक्स्ट्रा काम करते हो आपके ड्यूटी टाइम के अलावा, यदि आप 1 मिनट का भी एक्स्ट्रा टाइम दोगे तो उसका भी आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है, और वो भी बहुत एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा। राशन का अलाउंस, ड्रेस अलाउंस मिलेगा आपको, ग्रेचुटी अलाउंस मिलेगा आपको, मंथली पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट हर महीने की महीने पेंशन मिलेगी। ध्यान रखना जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी होते हैं ना उनको पेंशन कम मिलती है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि यदि आप स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लगते हो तो आपको पेंशन ज़्यादा मिलेगी, लेकिन आप यदि केंद्र सरकार के अंडर लगते हो, जैसे रेलवे में लगते हो, एसएससी में लगते हो, तो आपको पेंशन बहुत ही कम मिलेगी। मेडिकल फैसिलिटी लाइफ टाइम मिलती रहेंगी, पास और प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, ठीक है, आपकी और आपकी फैमिली को ऑलवेज टिकट फ्री रहेगा, ड्रेस अलाउंस मिलेगा आपको, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, एजुकेशनल असिस्टेंस मिलेगा, राशन अलाउंस मिलेगा, और ट्रेवलिंग और ट्रांसफ़र अलाउंस मिलेगा, और बहुत सारे अदर फाइनेंशियल हेल्प मिलेंगी आपकी। तो ये हैं बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट जो आपको रेलवे में लगने के बाद मिलने वाले हैं। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ज़रूर मोटिवेशन मिला होगा। यदि आप इंतज़ार कर रहे हो रेलवे आरपीएफ की भर्ती का, एसआई और कॉन्स्टेबल की का, तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ऑलवेज अपडेट रखने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।